हेलो दोस्तों, देखिए आज क्या है। ये है कटहर की सब्जी। तो आइए आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, वीडियो बिल्कुल फुल देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा। बिल्कुल गांव के तरीके से बनने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले कटहर काटने से पहले थोड़ा सा लगा लेते हैं हाथ में ऑयल, नहीं तो इसमें से जो दूध वगैरह निकलता है ना वो हाथ में चिपक जाता है, जो हाल फिलहाल नहीं छूटता। तो अच्छे से इसमें हाथ में लगा लीजिए ऑयल, और आप चाहो तो चाकू से भी काट सकते हो, हसिए से भी काट सकते हो, लेकिन मैं हसिए से ही कटवा रही हूँ, क्योंकि चाकू से थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हसिए से बहुत जल्दी कट जाता है। और ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल आप ज़्यादा लगाइए, चाकू पे भी लगाइए, मैंने हसिए पे लगा लिया है। तो प्लीज़ वीडियो बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, फिर से बोल रही। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, अच्छे से पहले इसको छील लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको अच्छे से छील लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये ऊपर का जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, तो मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो छिक्कल बोलते हैं इसको, इसको हटा देते हैं, उसके बाद ही अच्छे से काटना स्टार्ट कर देते। तो देखिए, सारे इस तरह से छिक्कल हटा देंगे, और हटाने के बाद अच्छे से इनको फिर ऑयल लगा लेंगे दोबारा से हाथ में। इससे क्या है, फिर से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो आप लोगों ने ये रेसिपी बनाई है या नहीं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी सारी गर्मी निकल चुकी है, अभी पहली बार बनाई है, तो सोचा थोड़ी सी वीडियो शेयर की जाए। बिल्कुल सिंपल तरीके की है, बिना कम मसाले वाली, कम ऑयल वाली, और झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये मेरा कटहर कम से कम 1 kg है, अगर आप चाहो तो कम भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी फैमिली ज़्यादा है तो थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा बन रही है। आप चाहो तो थोड़ा सा आधा kg भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से काट लेंगे, और इससे जो बगल में ये चीपे वगैरह होती है ना, इनको हमें निकालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। इससे क्या, हमारा कटहर अच्छे से बनता है। साथ में ले लिए मैंने 4-5 प्याज, 2 लहसुन, क्योंकि प्याज इसमें बहुत ज़्यादा डलती है, थोड़ी इसकी ग्रेवी थिक होती है ना, इस वजह से। तो देखिए, प्याज को मैंने और लहसुन को अच्छे से छीन के पीस लिया। अब डाल दूँगी 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, और गरम मसाला का यूज मैं नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, तो थोड़ा सा गरम मसाला मैं स्किप करूँगी, अगर आप चाहो तो डाल भी सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से डाल दिया है मैंने मसाले को, और ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। सबसे पहले मैं करूँगी कटहर को अच्छे से भूज लूँगी, क्योंकि कटहर को अच्छे से भूजना पड़ता है, नहीं तो कटहर में थोड़ा कच्चापन रहता है ना। तो देखिए, इस तरह से चलाते रहना है, और आपको अच्छे से भूज लेना है। और ये अभी कटहर पका नहीं है, नहीं तो इसके बीज थोड़े से ज़्यादा बड़े होते, ये थोड़ा सा कच्चा ही है ना, तो बहुत ही टेस्टी बना था, और ज़्यादा पका होता तो इसके बीज थोड़े से होते बड़े। तो ये देखिए, मैंने निकाल लिया अच्छे से भूनने के बाद, और उसी ऑयल में डाल दूँगी मैं जीरा। कुछ भी नहीं करना, आप लोग ये मत सोचना कि इतनी सब्ज़ी तो थोड़े से, अभी लोग ज़्यादा हैं तो थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा बन रही है। तो वैसे हम लोग बस 2 ही लोग रहते हैं, लेकिन अभी मैं गांव में हूँ, तो गांव में थोड़े से ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए, मसाले को भी अच्छे से ग्रेवी भूज लेनी है, और इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी हमारी सब्ज़ी लगनी नहीं चाहिए, सॉरी मसाले। और मैं आपको फिर से बता दूँ, प्लीज़ 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 वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ये भी करिए। और साथ में डाल दी मैंने तेज़पत्ता 2 टोल के, बस इसके अलावा कोई भी गर्म मसाले का यूज नहीं किया है, और उसी में डाल दिया है कटहर। तो दिख रहा है ना, एकदम टेस्टी, और कितना सारा, ये देखिए मैं 1 kg बता रही हूँ, तो 1 kg ही है, आप चाहो तो थोड़ा सा कम भी कर सकते। तो ये देखिए, साथ में डाल देंगे पानी, पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, कितना थिक कितना पतला खाते हो। मैं थोड़ा सा पतला ही बनाऊंगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखूँगी, आप चाहो तो कम भी रख सकते हो। तो ये देखिए, पानी को अच्छे से मैंने डाल दिया, और इसी में डाल देंगे नमक,
नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि ये सब्ज़ी ज़्यादा है ना, तो मैं फ़िलहाल 3 चम्मच भर के डालूँगी, तभी नमक इसमें हो पाएगा। तो आप नमक का टेस्ट तो खुद ही रखिएगा, क्योंकि सब्ज़ी किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है। तो ये देखिए अच्छे से बॉयल आ चुका है, और इसी में डाल देना ये बन जाए। उसके बाद धनिया, बहुत ही मज़ा आया था इस सब्ज़ी को खाने के बाद, क्योंकि बहुत दिन बाद पहली बार बनी थी, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इस सब्ज़ी को बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, कम मसाले वाली। तो ये देखिए किस तरह से बस चलाते रहना है जब तक कटहल हमारा अच्छे से पक नहीं जाता। तो ओके बाय।